स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया मैं। आज स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट टू है। पहला पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, ठीक है। इसको क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा से समझते हैं कि सवाल है क्या। तो देखिए दोस्तों, सवाल मैंने उसका कॉन्सेप्ट ये समझाया है कि मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो आप 5/18 और 18/5 रटे हुए हैं उसको आप समझ लीजिए, समझाए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट में, धीरे धीरे उसके आगे बढ़ते हैं, सवालों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं सवाल कितने कठिन आते हैं और उसको कितने आसानी तरीके से लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल है कि एक कार है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है। तो पूछा है कि 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। तब एक कार है जो कि चल रही है 108 किमी प्रति घंटे की स्पीड से, तो 15 सेकंड में कितना दूरी चलेगी। तो देखिए, अब ये जो सवाल है इसमें देखिए किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर है, यहाँ पर सेकेंड पूछा है। तो आप देखिए, पिछले वीडियो में यही मैंने बताया है कि इसको क्या कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए कैसे करेंगे, 108 × 5/18। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 5/18 आया कहाँ से है, तो समझ लीजिए, इसको यहाँ बता दीजिए, उसके बाद समझिए। देखिए 108 × किलोमीटर को मीटर में बदलिए तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है। और डिवाइड बाई घंटा को सेकेंड में, 60 × 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। कैसे कटाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो गया, 108 × 10/36, ये क्या हो गया, 108 × 5/18। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 5/18। देखिए कहाँ से आता है आपको समझ में आना चाहिए, ताकि मान लीजिए भूल गए उस समय 18/5 की 5/18, तो क्या करेंगे आप, सिस्टम से चलेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा कि 5/18 कहाँ से आया, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है और ये क्या है, इसको कैसे समझते हैं, समझिए। ये है कि एक घंटा में 108 किलोमीटर चलता है, ये घंटा में 108 किलोमीटर चलता है, और ये है एक सेकेंड में 30 मीटर चला जाता है, एक सेकेंड में 30 मीटर और एक घंटा में 108 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कहा है कि एक सेकेंड में जब 30 किलोमीटर चलता है तो 15 सेकेंड में कितना चलेगा। जैसे आपसे कहेंगे कि एक सेकेंड में आप 10 मीटर चल रहे हैं तो 2 सेकंड में कितना चलेंगे, 20 मीटर। एक सेकंड में आप 5 मीटर चल रहे हैं तो 2 सेकंड में कितना चलेंगे, 10 मीटर। ऐसे होता है ना, उसी प्रकार कि 30 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 30 मीटर चल रहे हैं तो 15 सेकंड में कितना चलेंगे, 15 × 30, यानी कि 15 × 3 = 45 मीटर। अब देखिए, आप कहेंगे कि ऐसे कैसे लगा दिए, इसको फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए चाल क्या है आपका, 30 है, बराबर दूरी पूछ रहा है, समय कितना लग रहा है, 15 सेकंड पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको, क्रॉस मल्टी इसका इसमें इसका इसमें, तो हो जाएगा एक्स बराबर 15 × 3 = 45, 450। देखिए कितने आसानी से हो गया सवाल, ठीक है। इसको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता तो आराम से लगा लेते। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मोहन है, क्या है, मोहन है, जो कि साइकिल से चलते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कैसे चलते हैं, साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं, 10 किलोमीटर बाद थक जाते हैं। थकने के बाद क्या कर रहे हैं, 20 मिनट आराम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आराम तो कर रहे हैं, अब ये पूछा है कि अब मोहन को चलना है 40 किलोमीटर, तो कितनी देर में उस साइकिल से तय करेंगे। आराम करते हुए इसको ध्यान दीजिए, अगर तो गड़बड़ा जाएगा। अगर पूछता कि 8 किलोमीटर की गति से चलते हैं मोहन, तो 40 किलोमीटर चलने में कितना देर लगता, तो क्या करते, सिंपल आप क्या करते, 40/8, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय लिख लीजिए, उसके बाद से देखिए कैसे समझ में आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी कितना है, 40 किलोमीटर है, और समय पूछ रहा है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 40/8, यानी कि t बराबर क्या हो गया, 5।
अभी 5 घंटा लगता कब, जब 40 किलोमीटर सिस्टमेटिक ढंग से चलता, ठीक है। लेकिन क्या है, ये मोहन तो आराम कर रहे हैं, साइकिल चलाने में क्या होता है, आदमी थक जाता है तो आराम करता है, वही चीज़ कहा है कि 20 मिनट क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जब आराम कर रहे हैं तो 20 मिनट को क्या करिए, घंटा में बदलिए, तो 20/60 क्या आ गया, 1/3। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि 40 किलोमीटर चलने में कितनी बार आराम कर रहे हैं, कितनी बार आराम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मोहन चले, घर से चले, ये घर है, यहाँ से चले, यहाँ 40 किलोमीटर जाना है। देखिए चित्र बना के समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। 40 किलोमीटर चले, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ घर चले तो यहाँ पे आए 10 किलोमीटर, रुको तनी आराम कर लेते हैं, आराम किए, उसके बाद फिर यहाँ से फिर चले 10 मिनट आराम करने, 20 मिनट आराम करने के बाद यहाँ से फिर चले, फिर कहाँ पे आए, 20 पे आए, उसके बाद फिर चले, फिर कहाँ रुके, 30 पे रुके। अब चलेंगे तो रुकेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो भाई पहुँचिए गए, आराम से नाश्ता पानी करेंगे। तो देखिए कितनी बार रुके, 1, 2 और 3 बार रुके। तो ये जो 3 बार रुके वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3×2, तो ये क्या हो गया, 1 घंटा तो आराम कर ले। देखिए 20 मिनट यहाँ 20 मिनट यहाँ 20, 40, 20, 60 60 मिनट तो आराम ही कर लिए, और 5 घंटा तो लगना ही है जाने में, अगर नहीं रुकते तो, आराम नहीं करते तो कितना लगता है, 5 घंटा लगता ही लगता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आराम करने की वजह से उनका समय की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 60 मिनट बढ़ जाएगा, यानी कि 5 घंटा है क्या हो जाएगा, 5+1 6 घंटे में वो क्या करेंगे, मोहन अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बस है जो कि 5 घंटा में अपनी यात्रा को पूरी कर रही है, 5 घंटा में यात्रा को पूरी कर रही है, यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, बाकी शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो यात्रा की लंबाई बताइए। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपकी यात्रा, क्या हो गई, यात्रा हो गई, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ जाना है आपको, यानी कि डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए एक्स है, तो नहीं पता है तो कोई वेरिएबल मान लीजिए, तो पता होगा तो हो जाएगा। क्या होता है कि यात्रा का 2/3 भाग, यात्रा का 2/3 भाग, यानी कि जो यात्रा है उसका 2/3 भाग यहाँ से एक्स है पूरा, तो 2/3 भाग ये हो गया, अब बचा हुआ भाग कैसे निकलेगा, 1-2/3, तो क्या हो गया बचा हुआ भाग, 1/3। अब 1/3 जो भाग है वो भी क्या कर रहा है, वही तो दूरियाँ चलेगा, क्लियर है, 2/3 चला और 1/3 चला, यानी कि टोटल चल दिया, और 2/3 चलने में कितना, कौन सा स्पीड से चल रहा है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, ठीक है, और 1/3 जो शेष है वो किस स्पीड चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। आपको समय दिया हुआ है कि टोटल 5 घंटा ही लगेगा, चाहे कितनों भाग में चलिए आप, 5 घंटा में आपको पहुंच जाना है, तो ठीक है। अब देखिए, अब चाल है, समय है, तो करेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। अब समय आपका टोटल तो 5 घंटा लग रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी ये जो है कैसे कैसे चल रहा है, 2/3 भाग, ध्यान से देखिए, 2/3 भाग एक्स बटे, और सम चाल किस चाल से चल रहे हैं, ये वाला दूरी किस चाल से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से प्लस, और ये जो है ये वाला 1/3 एक्स किस स्पीड चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से, और टोटल समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। ये आपको समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया, कहाँ से बना, इसको बनाइए, कैसे बना है रिपीट करिए बार बार। उसके बाद देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, क्लियर है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये करेंगे तो क्या होगा, 2x/4 = 12 = 120 प्लस x/3/18 = 180 = 5। अब क्या करिए, इसको इसमें गुणा करके उसको वहाँ उधर गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा, कैलकुलेशन करिए फटाक से। देखिए 18 × 36 = 360 x/120 × 180, ये हो जाएगा आपका 120 × x/180 × 120 = 5। अब क्या करिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 360 x + 120
एक्स बराबर 5 गुड़े 180 गुड़े 120। अब इसको क्या करिए, उसमें गुणा कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन इसमें क्या है, 60 कॉमन है, 60 अगर कॉमन लेते हैं तो 60 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6x, और यहाँ क्या बचेगा आपका, 2x बचेगा, बराबर 5 इंटू 180 गुड़े 120। अब देखिए इसमें से भी कॉमन ले लीजिए 2, यानी कि 120 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ, 3x बचेगा प्लस x बचेगा बराबर बराबर क्या बन जाएगा आपका यहाँ, 5 इंटू 180 गुड़े 120 डिवाइड बाई 120 कट गया, ये हो गया 4x बराबर 5 इंटू 180 डिवाइड, अब इसको x को डिवाइड कर दीजिए तो 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 4, अब इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, 4 पचे 20 इंटू 5, यानी क्या हो गया, 5 पचे 25, इसको 45 से 5 से गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 और 5 चौके 20 22, यानी 225 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है बस, ठीक है, कितना कर रहा है, 225 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। देखिए कैलकुलेशन है, आपको जैसे फास्ट लगे वैसे फास्ट करिए, एलसीएम ले लीजिए, फटाक से निकालिए, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार है, क्या है, कार है जो कि क्या चल रही है, 8 किलोमीटर चलना है उसको, दूरी पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, हाफ चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और पूरा हाफ चल रही है उतना, आधा इतने स्पीड से और आधा इतने स्पीड से, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका दूरी है, क्या है, एक्स है। अब ये जो आधे चल रही है यानी कि एक्स बटे टू जो चल रहा है, कितने समय चल रहा है, 40, अब प्लस एक्स बटे टू बटे 60, क्लियर है। अब ये जो कितना समय लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है, आराम से कैलकुलेशन कर दीजिए, आ गया एक्स बटे 80 प्लस एक्स बटे 120 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। अब क्या करिए इसको, ये हो जाएगा 200x बराबर 8 गुड़े 80 गुड़े 120 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, 8 गुड़े 80 गुड़े 120 बटे 200, ठीक है, ठीक, ये हो गया 4, 8 चौके 32 गुड़े क्या हो गया, 12, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 धाका 320, ठीक है, अब 32 दुना के 64, इसको जोड़ दीजिए, 4, 6, 2, 8, 384 किलोमीटर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों देखिए ये तो मेथड हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, आराम से क्या किया आप आंसर निकाल दिए। और एक फार्मूला जो होता है, जब दूरी समान है तो 2xy बटे x प्लस y, क्लियर है, इनटू टाइम, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है, x और y क्या होता है, वो आपकी क्या होती है, चालें होती हैं, चाल, उसके बाद से वो टाइम, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखिए 8 है तो क्या करेंगे, 2 गुड़े यहाँ पे रख देंगे 40 और गुड़े 60 और बटे 40 प्लस 60 इनटू टाइम, टाइम कितना है 8। देखिए फार्मूला यही से बना है, इसी से बना है फार्मूला, केवल क्या होता है कि समझने की फेर होता है। देखिए ध्यान से, इसी फार्मूला को क्या कर दिया, फार्मूला बना दिया, नाम दे दिया फार्मूला है, लेकिन कैसे आता है फार्मूला आपको समझ में पहले आना चाहिए, तब जाके आप कंफर्ट रहेंगे। क्या हो गया, 2 × 40 गुड़े 60 डिवाइड बाई 100 गुड़े 8, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये भी कितना आएगा, 384 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस सवाल को, पिछले वाला सवाल भी ऐसे लग जाएगा, लेकिन आपको समझना क्या है, इसको समझना है और इसको समझ के उसके बाद से इसको फट से लगा देना है, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ कि एक व्यक्ति है जो कि एक दूरी को 9 घंटे में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं 9 घंटे में, ठीक है, आधी दूरी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और बाकी आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। तो पूछा क्या है कि दो दूरी है जो चल रहे हैं दूरी, वो टोटल दूरी कितनी है, क्लियर है, सेम सवाल है, सेम प्रोसीजर है, फट से आंसर बताइए। क्या करेंगे, 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई गुड़े टाइम, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, दूरी आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए 2 की जगह पर 2 रख देंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, इन टू 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 इंटू टाइम क्या है,
9 है। अब क्या करेंगे इसको, पाँचों को 20, पाँचों को 20, 20 दुना के 40 इंटू 9 इंटू डिवाइड बाई 9 इंटू 9, 9 से 9 कट गया, आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति तय करेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल को समझ लिए हैं आप, इस पैटर्न पे सवाल लगाइए, बुक से लगाइए, इसको लगाइए, 2-3 बार लगाइए, ठीक है दोस्तों, समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, फिर समझाया जाएगा। धन्यवाद।